everyone, welcome to day number 4 and today we are in Shadagh, एक शहर है तकरीबन 2.5 घंटे दूर बाकू से। आज सुबह हम निकले थे तकरीबन 9 बजे अपने होटल से और अभी हम यहाँ पर हैं। वेरी ब्यूटिफुल प्लेस, रास्ते में कुछ तस्वीरें भी ली हैं और अभी यहाँ भी तस्वीरें लेंगे। केबल कार देखते हैं, यहाँ की रोलर कोस्टर है, यहाँ पे रिपेलिंग है। लेट्स सी व्हाट इट हैज़ टू ऑफर। मेन जो मुझे करनी है यहाँ पे, लुकिंग एट द सीनरी जितनी भी यहाँ पर है, आई विल डू क्वाड बाइक, पैराग्लाइडिंग वगैरह तो सब की हुई है। सो आई ऑप्ट फॉर मे बी, हम मे बी क्या करना तो है क्वाड बाइक। एंड वहाँ पे एक कोस्टर टाइप चीज़ है जो कि आपको पूरा पहाड़ के ऊपर से घुमा के ला रही है, तो वो भी मेरे खासे में ट्राई करूँगा। पूरी ऊपर जाएगी, उसके बाद हमें पूरा नीचे जो लाएगी पूरा व्यू दिखाते हुए। ये पूरा व्यू है, चलो नीचे आते हुए दिखाएंगे। अरे ऐसा ऐसा ठंड लग रही है गाइस, तो ठंड तो ऐसी हो रही है, जैसे जैसे और ऊपर जा रहे हैं ना और ठंड लग रही है। मैं हूँ भी हाफ स्लीव्स में, एनीवेज कोई मसला नहीं जी, कोई मसला नहीं। वैसे इतनी तेज होगी नहीं, इट्स नॉट अ रोलर कोस्टर। मैं कोई ब्रिज से बहुत ज़्यादा वैसी एक्सपेक्टेशंस नहीं, आई एम जस्ट हियर फॉर द व्यूज। व्यूज बहुत अच्छा आ रहा है, एक तरह से व्यूज फिल्म हो जाएंगे, तो मैंने कहा कि इस पे बैठ जाते हैं। वाओ अमेजिंग, यहाँ पे कोई होटल है। Check the views, यार फुल मंगोल के ज़माने की पहाड़ियाँ ना, अक्सर आप हिस्ट्री की बुक्स में देखते हैं या फिर मूवीज में देखते हैं। अच्छा मेरे पास ये एक स्टेशन है, अब हम अगले स्टेशन से नीचे जाएंगे। अच्छा एक स्टेशन से ऊपर आए, अगले स्टेशन से नीचे जाएंगे। मरहबा करते चलो भाई। अच्छा ऐसे इसको आगे करेंगे तो जाएगी नीचे। चलो फुल स्पीड, रेडी 1 2 3 गो। ओ तेरी भैंस की तुम, अच्छा अभी हम उतरे हैं। बीच में ना मैंने रिकॉर्डिंग बंद कर दी थी, बेसिकली एक इमरजेंसी अलर्ट होता है मोबाइल में, तो वो उसने साउंड करना शुरू कर दिया था ड्यू टू हाई स्पीड, तो इसलिए मैंने वो बंद किया थोड़ा सा इसको बीच में स्लो करके, और मोबाइल फिर मैंने अपनी पॉकेट में रख लिया था। तो वी हैव जस्ट अराइव्ड ऑन आर डेस्टिनेशन एंड अमेजिंग यार, अमेजिंग एक्सपीरियंस। यानी कि रोलर कोस्टर्स वैसी देखी हैं, ऑफकोर्स वैसे बैठे हैं जो कि ऑटोमेटिक कंट्रोल होती हैं, बट ये जो है बिल्कुल ऑटोमेटिक थी, बट पार्शली ऑटोमेटिक थी और मेनली जो थी वो मैनुअली कंट्रोल्ड थी। ये फैसिलिटी वैसे मैंने पाकिस्तान में कभी नहीं देखी, अगर किसी ने देखी है तो बताए मुझे कि पाकिस्तान में हमारे पास ये फैसिलिटी है या नहीं। मैंने तो कभी नहीं देखी, नॉर्थ में भी मैंने कभी नहीं देखी, कहीं भी नहीं देखी। और अगर यही चीज़ हमारे पास नॉर्थ में हो, गिलगित में, स्कर्दू में, इवन नारायण कागान में यार, ऐसी फैसिलिटी हो, और वहाँ तो सीन्स बहुत कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं। ये भी ठीक है, अच्छा है, डिफरेंट सीन है, मुझे तो खैर बहुत ही पसंद आ रहा है, बट वो एक स्नोई लैंडस्केप है ना बिल्कुल,
तो वहाँ पे तो अलग ही वाइब होगी, और उससे हमारा टूरिस्ट भी बढ़ सकता है, बहुत फ़ायदा हो सकता है मुल्क को। बट यार पता नहीं करते क्यों नहीं ये लोग कुछ, जबकि सब बाहर ही होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, फिर भी बाहर से कुछ सीख के नहीं आते। एनीवेज अच्छा, हर चीज़ ना साइमल्टेनियसली चलती है। अब अगर कोई ऐसी फैसिलिटी होगी कहीं भी, तो जिस तरह इन जैसे मुल्कों में टर्की हो गया, अजरबैजान हो गया, तो अब मैं देख रहा हूँ रोलर कोस्टर है, ठीक है, ये सब एक साथ दी हुई इन्होंने, क्वाड बाइक है, फिर इन्होंने चेयर लिफ्ट दी हुई है, इन्होंने जो है हॉर्स राइडिंग की फैसिलिटी, लाइक बहुत सारी इस तरह की फैसिलिटीज़ हैं, जिस तरह मैंने पहले दिखाया उसमें बोर्ड पर जिस तरह बनी हुई थी, और उसके साथ ना इन्होंने होटल भी दिया हुआ है, रेस्टोरेंट्स दिए हुए हैं, ताकि आप आएँ खाएँ, उससे मज़ीद टूरिज़म बढ़ेगा। बट मैंने जो देखा है अपने पास वो यही होता है कि इफ़ यू हैव फैसिलिटीज़ देन यू डोंट हैव गुड प्लेसेस टू गो, ठीक है, या होती भी हैं, एक याक बर्गर करके है नॉर्थ में उस तरह का, बट ये कि उस तरह की और होने चाहिए रेस्टोरेंट्स, और होने चाहिए टूरिज़म। इससे मुझे, मेरी ज़ात को कोई फ़ायदा नहीं है, मुल्क को फ़ायदा है, टूरिज़म को फ़ायदा है, ठीक है। जब टूरिज़म को फ़ायदा होगा, मुल्क को फ़ायदा होगा, तो हमें इनडायरेक्टली फ़ायदा हो ही जाएगा, अगर पैसे हमारे ऊपर लगे तो हमें फ़ायदा हो ही जाएगा। बादल सारे नीचे आ गए, वो परफेक्ट टाइम था, बिल्कुल जो सॉर्ट ऑफ रोलर कोस्टर थी, अच्छा टाइम था, वो क्लियर था, विजिबिलिटी बिल्कुल सही थी, क्वाड बाइक में बड़ा मज़ा आया। क्वाड बाइक में वैसे विजिबिलिटी मैटर नहीं करती, बट ये है कि अगर आप सनसेट के टाइम करें, सनसेट पता नहीं यहाँ पर ऐसे विजिबिलिटी की वजह से कोई ऐसा पता भी चलता होगा या नहीं, बट सनसेट के साथ जैसे कैपेडोकिया में करना चाहिए बंदे को, ऐसी जगहों पे क्वाड बाइक करनी चाहिए। यहाँ भी बहुत अच्छी थी, डेजीज थी, व्हाटएवर द फ्लावर वाज, तो अच्छा सीन था।